रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम दोस्तों विलेज ब्लॉग चैनल में खुश आमदेद करने हैं। मैं गुलाम अब्बास, मेरे नाल भाई जेब, तो तुसी देखते पे हो यूट्यूब का विलेज ब्लॉग चैनल। आज का कोई ब्लॉग जो इस तरह होने लगा, अस जान लगे हाँ जाते पे गुजरा पेते पे गड्डी तुसी तैयार शैर होके, कुछ काम ना कुछ चीज़ा लैनिया, जरूरी काम है, कुछ गड्डी की सर्विस करवानी है, उस तो बाद कुछ और चीज़ा लैनिया, वह भी तुम दिखावे की चीज़ा लेनिया। गोजरा साढ़े घर तो तकरीबन आया कोई 10 किलोमीटर, तो 10-15 मिनटा च असी पहुँच जावे। और भाई जी कोई गल बात करो ना दोस्त ना। बस भाई जी बस शुक्र अल्लाह दा, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं सब भाई? अजी गोजरा तक जा रहे हैं भाई, तुम दस काम शाम भाई कह रहे हैं कोई मीटिंग है जनाब सामने कर लें अंदर हेठा ओके मोबाइल बिच वेख है ना ठीक है नहीं वेख उत्ते की मीटिंग है स्पेशली वो अटेंड करनी है भाई नाल जा रहे हैं अपना सर सबज फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी एंड खाद दी ओना दी तरफो संदावत है ते मैरिज हाल बिच ओना दी मीटिंग है उत्त जा रहे हैं ते बाकी और भी कुछ काम है ना गड्डी वाश करवानी है 3-4 और काम ना वो भी तुम दिखावे चैनल तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए वीडियो लाइक करिए साडा नया चैनल है विलेज के मुतलक ताकि मजीद अच्छी अच्छी वीडियो जरा अं दर भी ते सब्सक्राइब दे नाल एक बैल का बटन है वो भी लाजमी प्रेस कर लवे ताकि जी सा नवी आवे वीडियो वह नोटिफिकेशन तुम मिल सके दी जी हाँ दावत दी है अभी 2-3 दिन हो गए कार्ड आए हैं दोस्तों पहले मेनू दावत दी भाई जेब नो दी कार्ड आया वो मैं अज ही दिता अज इन्होंने पता लगे तो हूँ असं जा रहे हैं इंशाल्लाह 10-15 मिनट तक पहुँच जावे तो गड्डी है जो पिछला विलाग देखी होना साढ़े को सुजुकी आल्टो है 660 cc जापानी जी हाँ जापानी थोड़ी जी एवरेज जी उस विलाग भाई मैं तुम कन्फर्म नहीं दस सकिया हाँ हूँ मैं नोट की तुम कन्फर्म दस दिना ब ए सी के बगैर जी है ना वो 20 किलोमीटर की एवरेज है पर लीटर ते ए सी चला के 18 किलोमीटर की पर लीटर एवरेज है मैं आख्या दोस्तों ने भी ना एक गल दस दे भी थोड़ी जी सी मिसटेक कर गए एवरेज के मुतलक नवा मॉडल नहीं आ गया हम 13 मॉडल जी हाँ दोस्तों इस दे विच एक नवा मॉडल भी आ गया गड्डी सुजुकी आल्टो जापानी जी नवी शेप आ गई है यह जरा शेप है 2014 तक आई है 2014 तो बाद शेप चेंज हो गई है हूँ वो गड्डी आ रही है वह भी इंशाल्लाह बकायदा एक दिन रिव्यू करा दोस्तों शेयर करा एक गड्डी है साढ़े दोस्त को प्राइस भी दसा दे ते हर चीज़ सारा कुछ जो मुकम्मल टोटल रिव्यू करावे इंशाल्लाह बहुत अच्छी गड्डी है वैसे जापानी जापानी गड्डी बहुत अच्छी है हूँ असी नुरैना पुल पहुँच गए जी काफ़ी ज़्यादा दोस्त जानते हैं नुरैना पुल पहले वेखो ना इत पहले रोड कोई ना सिंगल रोड आन ते बिल्कुल इतनी चीज़ा या इतनी दुकाना ना केड़ा फ्रंट फ्रंट सामने फिर दिखाने पहले मैंने गल दस लैन दे फ्रंट की कोई जरूरत इतनी सड़क का की नज़ारा देना है दोस्तों के सड़क ये मैं अगर सारी विखाई है पिछले बेला कोई देखी है दोस्तों गल कर रहे हैं इसके मुतलक नारायणा पुल के मुतलक पहले वेखो ना सिंगल सड़क आन कोई बिल्कुल जड़ा ना इतने दुकान शुकान इतनी कोई ना इतनी चीज़ा भी कोई ना मुहैया लभदिया ना हूँ तुम वेखो सड़क बनने नाल जो तकरीबन 10-12 खोखे नुमा दुकाना उन्होंने इजाफा हो गया फ्रूट गोश्त होटल बन गया तंदूर लग गया रोटियां जरा आवाम साढ़े को बनया जो आवाम है उन्होंने वास्ते बहुत काफ़ी डिवेलपिंग हो गई है ना काफ़ी डिवेलपिंग हो गई बहुत सहूलत हो गई है पहले बंदियां कोई शादी या फौतकी या कोई दावत हो रोटियां लवेनिया होन
सारे लोग 7-8 किलोमीटर दूर या कोई 10 किलोमीटर दूर उत जाना पौंदा है। हूँ बंदियां ने इत्थे अपने घर बही सहूलत मुयसर होगी तो बहुत अच्छी गल है। ना सर एक बार दुसाल साहब भी जेड़ा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, रोड बनाए ने। साडा जेड़ा हलका एन ए 108 जेड़ा 109 आई हूँ 186 हो गया जी 186 जेड़ा साडा हलका ना सर एक बार दुसाल साहब का मंडी भवन दीन ये तकरीबन ये हूँ डिस्ट्रिक जेड़ा है ना लाहौर वो तरह दिया सड़कें बड़ी ने। कोई दोस्त जेड़े ज़्यादातर देख रहे हैं ना वो मेरी गल तो मुतफिक होने गुसार साहब बड़ा काम करवाया जी बड़ा जी बहुत अच्छा काम करवाया ना सड़क हर चीज़ का काम सड़क हो गई बिजली हो गई नालियाँ हो गई सीवेज का निज़ाम हो गया सारा निज़ाम फिट कराया ना पूरा भट्ठा आ गया पिछले साडा भी है भट्ठा पिछले ब्लाक भी तुम वेख्या होना ये भी बहुत अच्छा कारोबार है बहुत अच्छा काम है अगर अल्लाह ताला सेहत देवे तो ये बहुत अच्छे तेरी बचत आ जाती है। अगे आने ना सर इकबाल गुसाल साहब का एक और शाहकार भी कहने पहले इस कॉलेज खवातीन वास्ते योजे कॉलेज मंडी बवलदीन शहर में आई ये उस तो बार बार पूरे जिले मंडी कि ही नहीं आई ये ना सर इकबाल गुसाल साहब चार कॉलेज बनवाए जी अपने हल्के एक जड़ा है बुसाल बंगला सरकारी जमीन आई एक रुकन हो गया एक रुकन बनवाया ना एक कदर शरीफ हो गया एक कदर शरीफ जी बनवाया ना और जी चौथा मलकवाल जी बनया ते आ थोड़ा जा लुक दिखा दियो एक दिन जड़ा ना वो स्पेशल एक व्लॉग बनावंदे ओदे विच दा निकाल आई दा अंदरो बाहरो या कितनिया क्लासा नो स्पेशल दिखावंदे इंशाल्लाह। इस तरह करके जेड़ा कॉलेज जेड़ा ना बहुत सहूलत है इस कॉलेज की हो गई है जेड़ा साढ़े हल्के दियाँ जड़िया ने दियाँ भैन मुल्क दियाँ वो इत तरीम हासिल कर रही ने पहले तो जी मैट्रिक तक बच्ची पढ़ लेंदी आई उस तो बाद उन कॉलेज कोई ना ही मुयसर होंदा या वो मंडी जाके या सिर खुद जाके पढ़ना पौंदा है या मुण जेड़ा वो पढ़ाई खत्म हो जाती है बस उस तो बाद मुण कोई ना पढ़ते अल्लाह ताला दे हुकम ना सर इकबाल गुसाल साहब जेड़ा बहुत अच्छा काम किया जी ना बहुत अच्छा काम किया बड़ी बड़ी दूरों आवाम आती है इतने तो तकरीबन अजकल हो रही ना बी ए तक क्लास ने इतने अच्छा अच्छा आई सी एस करवा रहे हैं अगली जी ए पढ़ाई के मुतलक गल है वो भाई जेब उसके मुतलक दस दिन मैं इतना जनाब पहले आई कि सारिया बच्चिया कड़ी सारे पिंड दियाँ हो गई दूसरे पिंड दियाँ हो गई मैट्रिक बाद कॉलेज ऐसा आई कौन जितने तलीम हासिल कर सकन वालदैन परेशानी होंगी है दूर भेजने वास्ते इस बस बच्चिया बेचारियाँ घर बह जाए लेकिन ना सिर्फ साल सब ऐसा एक कदम उचाया कि हूँ बच्चिया साढ़िया जितने पिंड दियाँ हो गई दूसरे पिंड हो गए रुकन हो गया गोजरा हो गया रेड़का बाला हो गया 43 चाक 44 चाक बसाल बहुत अच्छा काम किया ना सुबसाल साहब सहूलत बड़ी हो गई बड़ी सहूलत हो गई आवाम वास्ते जिस रोड जा रहे हैं 24 फुट कारपेट रोड बन गया पहले इसते बिलकुल कच्ची सड़क आई 10 फुट की बिलकुल कच्ची कोई सोलंग भी ना आई डायरेक्ट ना सर इकबाल गुसाल साहब जहाँ 24 फुट डबल कारपेट जी रोड बनवाया तो बहुत अच्छा बनवाया ना ये डायरेक्शन भी दिखाई ने वेखो ना लगे नौकी सदी दे रहे बोर्ड वगैरह लगे बोर्ड शोर्ड भी लगे डायरेक्शन देंगे कारपेट रोड ने सारे कुछ चीज़ा लिखी पहले इतनी आम आँदी कोई ना हूँ सानी इतनी सहूलत होगी 2 मिनट से कोई रे मंडी जाना हो अद्धा घंटा लगता मोटरसाइकिल तो गड्डी तो कोई मंडी पहुँच जाए तो जहाँ पहले सा जाना हो तकरीबन सदा 3 to 1.5 घंटा लग 3 to 35 मिनट जी गोजरे तो लग जाते हैं तो 15-16 किलोमीटर सफर आई हूँ साढ़े वास्ते 9 किलोमीटर गोजरा सफर रह गया बड़ा व्डा शहर है हर चीज़ मुयसर है उतनी सहूलत की जरूरत की हर चीज़ मुयसर है तकरीबन 9 किलोमीटर है तो 10 मिनट का साडा सफर है सारा पेट्रोल की भी बचत आ रही है बहुत और गड्डी भी अच्छी अच्छी
ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਜੰਪ ਸ਼ੰਪ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਜੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਨਾਸਰ ਬਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਮੰਡੀ ਬਾਬਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੰਮ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਬਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕੀਤਾ ਹਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗੈਸ ਲਵਾਈ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਫਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਯਸਰ ਕੀਤੀ ਨਾਸਰ ਬਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਬਸਾਲ ਵੱਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਵਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਗੋਤ ਦਾ ਜਿਤਨੀ ਆਵਾਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸੜਕਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆ ਸਾਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਬਾਬਲਦੀਨ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਮੋਟਰ ਵੇ ਆਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸੀ ਸੜਕ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਗਈ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਆਵਾਮ ਇਸ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬੰਦ ਗੋਜਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੋਜਰੇ ਆ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਜਰਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਮ 70-80 ਸਪੀਡ ਚੱਲੀਆਂ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 9-10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਜਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲਾਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੋਜਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲਾਗ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਲਾਗ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਦਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਵਿਊ ਵੀ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਗੁਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜ਼ੇਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲਾਗ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।